मेरे पास तकरीबन एक दिन में जो है ना 100 से 150 जानवर आ जाते हैं। आते तो बहुत सारे हैं मगर शाम हो जाती है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि शाम में जानवर लेना सही नहीं है, इनको खराब हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। एक गाय पे तकरीबन एक बाल्टी पानी खर्च होता है, क्योंकि प्रेशर होता है, हवा ज़्यादा मारता है, पानी कम मारता है। जानवर पे जो मैं सर्फ लगा रहा हूँ, ये शैम्पू है, ये पैसों का आता है, ये सही है ना, तो मैं इसी के पैसे लेता हूँ। बाकी अन्ना अपनी मेहनत के, अल्लाह का शुक्र है कि मैं साहिब हैसियत इस बिल्डिंग का मालिक हूँ मैं, और मैं PIA का रिटायर हूँ, मैं अफसर था PIA के अंदर। रेट सबका एक ही है, क्योंकि मुनाफा नहीं है ना इसमें, कमाता नहीं हूँ। ऊँट भी नहला लो, वो भी 100 रुपये का है। आते हैं कि यहाँ पे एक तो घरों में पानी नहीं है, दूसरे ये कि अगर मैं अपने दरवाजे पे जानवर ले लाऊँ, दूसरे के दरवाजे पानी जाएगा तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लोग कहते हैं यार 100 रुपये जा रहे हैं, स्टेशन पे ले जाओ, प्रेशर तो जानवर साफ भी हो जाएगा, और हम खड़े होकर खामोशी देखेंगे और अपने जानवर धुलवा के ले आएंगे। जानवर होते हैं अमूमन गंदे, मट्टी में, गर्त में, गबार में, पेशाब में लगे हुए होते हैं, और वही हाथ हम कुर्बानी के टाइम पे खाल पे लगाते हैं, वही हाथ हम गोश्त में लगा लेते हैं, तो गोश्त तो हो गया नापाक, तो इसलिए इन लोगों को पता नहीं है कि यार इसको नहला भी दें। आप भी तो नहाते हैं, मैं भी नहाता हूँ ना यार, नमाज पढ़ने जाते हैं, तो इसलिए जानवर अल्लाह के यहाँ जाएगा तो अल्लाह ताला भी जानवर बोलेगा कि मैं नहा के आया हूँ।